हेलो दोस्तों, आर्किमिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको विंडो एसी, ये एलजी का ड्यूल इन्वर्टर विंडो एसी है, इसका जो फिल्टर होता है ये जब पूरा भर जाता है इसको कैसे साफ करें, और इसके अंदर साइन भी आ जाता है कि आपको फिल्टर को क्लीन करने की आवश्यकता है, वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये रेड लाइट देख रहे होंगे आप, ये जल जाती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं मेरे से कमेंट में कि ये क्यों जल जाती है और इसको कैसे बंद करें। इसके लिए आपको दोनों जो ये अप डाउन के टेम्परेचर के हैं, पैनल से ही, ये रिमोट से नहीं होगा, पैनल से ही होगा, इसको एक साथ दबाएं। ये देखिए बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एसी चल रहा है लेकिन ये बंद हो गया है। अब इसको हम जो फिल्टर है वो कैसे क्लीन करें, ये साफ करते हैं। पहले इसको बाहर से एक कपड़े से साफ कर लें अच्छे से, पैनल वैनल। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल के देखते हैं कितना गंदा है फिल्टर। आप देखेंगे ये ऊपर से थोड़ा खींचेंगे तो ये खुल जाएगा, थोड़ा ऊपर उठा के निकल जाएगा। ये देखिए फिल्टर, देखिए कितना गंदा है। अब आपको इसको साफ करके दिखाएंगे। इसको हम बिल्कुल, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको थोड़ा सा मोड़ते ही आपका ये निकल जाएगा। ये देखिए, देखेंगे आप नज़दीक से कितना गंदा है। चलिए अभी इसको फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। दोस्तों हम तो क्या करते हैं, शावर के नीचे रख लेते हैं इसको उल्टा करके, ये एक मिनट में साफ हो जाता है। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, पानी से, टब से कर सकते हैं आप, जग से कर सकते हैं। देखिए सब कुछ नीचे, देखिए कितना गिर गया है। इसको फिर हम वाइपर से साफ कर देंगे। ये देखिए एक मिनट में साफ हो जाता है। थोड़ा नीचे हाथ मार दीजिए जहाँ से साफ ना हो। बिल्कुल साफ होने के बाद ये देखिए थोड़ा सा रह गया, हाँ साफ होने के बाद इसको थोड़ा सा झाड़ ले ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल साफ है, साफ, कितना साफ हो गया है। हम शावर से करते हैं, आप लोग भी इससे ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा कि एक मिनट में हो जाता है बिना किसी मेहनत, ज़्यादा मेहनत के। ठीक है दोस्तों, अब साफ करने के बाद हम शावर बंद करते हैं और थोड़ा सही से झाड़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल होता है ये, कोई इतना डर की बात नहीं होती। अब जैसे इसको करके जितना हम मैक्सिमम वो कर सकते हैं, इसको ऐसे करने के बाद आप इसको लगाएं, थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लें। और ये भी होता है लेकिन इसको आप ज़्यादा पंगे ना लें क्योंकि ये अंदर मेन होता है, इससे ज़्यादा दिक्कत ना दें। ये साफ होने के बाद इसे लगा दें और ध्यान रखें दोस्तों, लगाने के बाद कम से कम आधा या एक घंटा इसे ना चलाएं क्योंकि ये जो इसके अंदर हल्की हल्की फिर भी मॉइस्चर रह जाता है, जो ये खींचेगा तो इस पे धूल ज़्यादा चिपकेगी क्योंकि गीले में चिपकती है दोस्तों। और ये देखिए अब आप बिल्कुल साफ़ हो गया पहले के मुकाबले। अब इसके ऊपर हम इसका कवर लगा देंगे। पहले हम इसके नीचे जो, ये देखिए इसमें फंसाएंगे नीचे, ये देखिए, और फिर ऊपर से थोड़ा सा बस कट कर देंगे। ये हमारा फिट हो गया है। ऊपर से देख रहे होंगे आप, लाइट भी बंद है। मैं एक बार जल्दी से चला के दिखा देता हूँ कि एसी चल रहा है। ये देखिए एसी चल रहा है हमारा, और अब बंद कर देता हूँ। ये थोड़ा एसी उससे दिक्कत दे रहा है पैनल से। बाकी रिमोट देखें, रिमोट से हमने इसे बंद कर दिया है, ये चालू किया ये बंद कर दिया। ठीक है, चलाए ना क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया आपको मिट्टी चिपक जाएगी जो कि फिर साफ करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जो इसलिए आप आधा एक घंटे का इसे रेस्ट जरूर दें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।